तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। तो आज बात करने वाले हैं कि आप खुद अपने हाथों से दर्द के लिए तेल कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि दर्द के तेल के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी जड़ी बूटी आखिर उसमें डाली जाती हैं, और वही जड़ी बूटियाँ जो आप अपने आसपास में देखते हैं और आपको आसानी से एकदम फ्री में उपलब्ध हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बात करते हैं दर्द के तेल के बारे में कि क्या क्या सामग्री, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है और कितनी कितनी मात्रा में आप ये चीज़ें लेनी है और कैसे बनाना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है तिल का तेल, आप नोट कर लीजिए। तिल का तेल लेना है 1 लीटर, और धतूरे का रस लेना है, धतूरे के पत्तों, बीजों, जड़, तना, यानी धतूरे का पंचांग लेना है। धतूरे के पंचांग यानी जो सारी चीज़ें होती हैं, फल, फूल, पत्ती, जड़ और तना, छाल, ये सारी चीज़ें लेना है आपको। इन सब का कूट पीस के जूस यानी रस निकालना है, ठीक है। धतूरे का हो गया, इसी तरह आग के पत्तों का जूस निकालना है, इसी तरह सहजने के पत्तों का जूस निकालना है, और इसी तरह अरंडी के पत्तों का जूस निकालना है। सभी की मात्रा 200-200 ml रहेगी, धतूरे के भी 200 ml, एरंडी का भी 200 ml, है ना, इन सभी का 200-200 ml का रस रहेगा। अब क्या करना है, सबसे पहले कढ़ाई लेनी है, लोहे की कढ़ाई। उस लोहे की कढ़ाई में पहले अपन तिल का तेल डालेंगे। तिल का तेल डाल के गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में एक एक करके जो अपने पास चारों स्वरस थे, चार औषधियों के रस थे, ये धतूरा, एरंड, सहजना, इन सब के एक एक करके डाल देंगे। पहले 200 ml धतूरा का डालेंगे, डाल के उसको अच्छे से पकाएंगे, फिर बारी बारी करके चारों रस इसमें डाल देंगे। जब ये उबलने लगे और उबल के जब पानी इनका उड़ जाए और तेल तेल शेष रहे, पता चल जाता है ना कि जैसे 1000 ml यानी कि 1 लीटर तिल का तेल था, अब 1000 में 200-204 करके यानी कि 800 ml रस मिल गया, यानी कि 1800 ml हो गया। तो 1800 ml जब जल जल के 1000 ml शेष रह जाए, यानी कि जो जो रस है उनमें तो पानी है ना, जब पानी तो बच जाएगा और जो उनका औषधियों का गुण है वो उस तेल में आ जाएगा, यानी कि सिद्ध हो जाएगा एक तरह से वो सर तिल का तेल औषधियों में सिद्ध हो जाएगा। तो उस तिल के तेल में उन सारी औषधियों का गुण आ जाएगा। जब पानी उठ जाए तो उस तेल को उतार ले, उतार के उसको ठंडा करके आप किसी बोतल में, कांच की शीशी में उसको भर सकते हैं। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है, जहाँ भी आपके दर्द है, यानी घुटने में हुआ, कमर में है, कंधे में है, कोहनी में है, कहीं भी अगर आपको शरीर में दर्द है, तो सबसे पहले इसकी आपको मालिश करनी है। तेल उस पर, उस जगह पर लगाना है, लगा के ऐसे कि इसे छोड़ना नहीं है, लगा के उस पर 5 से 10 मिनट तक कम से कम आपको उस पर मालिश करनी है। ऑयल लगाने के बाद में आपको उस पर गर्म किसी चीज़ से सेक करना है। गर्म चीज़ का मतलब है किसी गर्म पानी की बोतल से आप सेक कर सकते हो, या फिर किसी कपड़े में मिट्टी को गर्म करके उस कपड़े में डाल के उसे कपड़े से सेक कर सकते हो, यानी पोटली बना के आप सेक कर सकते हो, या फिर गर्म पानी से भी आप सेक कर सकते हो। तो ये कई सारे तरीके हैं जिनसे सेक किया जाता है। स्टीम भी लगा सकते हो, अगर आप स्टीम लगाते हैं गर्म पानी की तो और भी बेस्ट है, वो तेल और भी अंदर जाएगा और भी इफेक्ट करेगा। और गर्म स्टीम से अगर आप सेक करते हैं तो वहाँ की नसें खुल जाती हैं, जो मसल्स में स्टिफनेस होती है वो दूर हो जाती है, काफ़ी अकड़न जकड़न जो होती है वो भी दूर हो जाती है, तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो इस तरह से आप घर पे अपना तेल बना सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, केवल 4-5 औषधियों का यूज़ किया जाता है जो आसानी से मिल सकता है। धतूरा भी आपको हर कहीं मिल जाएगा, एरंड भी आपको हर कहीं मिल जाएगा, सहजना भी आपको हर कहीं मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको कहीं भी मिल जाएगी, ऐसा ही खड़ी रहती है, इनका कोई पैसा नहीं देना पड़ता। बस तिल का तेल आपको एक ख़रीदना पड़ सकता है, ये भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता, इतना तो आप कर ही सकते हैं, और ये एकदम नेचुरल है, कोई इसमें केमिकल नहीं मिलाया गया है, आप खुद तैयार कर सकते हैं, कहीं पे आपको बाज़ार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप अपना खुद का दर्द का तेल बना के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही और घरेलू नुस्खे और आप जो भी मेडिसिन बना सकते हैं ऐसी मैं वीडियो इस चैनल के माध्यम से लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे से आगे इसको शेयर करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं नई नई औषधियों के बारे में आपके लिए जानकारी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय आयुर्वेद।